नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि दैनिक भास्कर डेली की 3 क्वेश्चंस देता है, उनके आंसर आप लोगों को देना होता है। उसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ इनाम के रूप में मिलेगा। तो इसमें किस तरह से शामिल हो सकते हैं आप लोग देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि इस नंबर पर आप लोगों को कॉल करनी होगी, मिस कॉल करनी होगी, 9190000072 पर। जैसे ही आप लोग मिस कॉल करेंगे तो उस तरफ से आपके पास एक SMS आएगा, और SMS में आपको मैसेज में आपको एक लिंक दी होगी। लिंक पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सवाल आ जाएंगे, और आपके अपने बारे में कुछ सामान्य जानकारी भरनी होगी। नाम हो गया, आप कहाँ से हैं, आपकी जीमेल मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि ये क्विज सुबह, ये लिंक आपकी सुबह 6 बजे एक्टिवेट हो जाती है और शाम 3 बजे तक खुली रहती है। और विजेताओं की अगर हम लोग नाम की घोषणा करें तो अगले दिन जो आपका दैनिक भास्कर होता है, इसके अखबार के मेन फ्रंट पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो खैर हो गई आपकी प्रोसेस। आज के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। तो आप सभी को बहुत सरल ही क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। आज का पहला सवाल है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम हुआ कि वाल्मीकि थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को मनाई जाती है। डोरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से है। आप देखेंगे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहले में क्या लगाओगे? वाल्मीकि। दूसरे में 23 जनवरी। और तीसरे में फुटबॉल। रामायण के लेखक वाल्मीकि। नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिन मनाते हैं? 23 जनवरी। और डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। चलिए तो आप लोग फिल कर दीजिए इन आंसरों को, कल इसी टाइम हम फिर से देख लेंगे इन्हें। कल जो भी क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे उनके आंसर देखेंगे।